हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, जिसे आप मेहंदी संगीत कोई भी फंक्शन में कर सकते हो और बहुत ही इजी है इसको करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्किन फ्रूट की मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाऊंगी एज अ प्राइमर, ताकि मेरे जो सारे पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं। अब मैं फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लूँगी एंड अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी हैंड की हेल्प से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया की पेन स्टिक, जिसमें मेरा शेड नंबर है 04 नेचुरल रोज़। गाइस, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये बहुत ही क्रीमी है, ईजिली ब्लेंड हो जाती है और ये काफ़ी डिफरेंट लुक देता है। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। अब मैं ADS का कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, अपने अंडर आइज़, नोज़, फोरहेड एंड लिप्स के पास लगा लूँगी। जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर की ज़रूरत है, मैं वहाँ वहाँ इसको लगा लूँगी। एंड ये बहुत ही क्रीमी है और ईजिली ब्लेंड हो रही है। सो अगर आपके पास कंसीलर स्टिक नहीं है, तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं CC पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इससे अपना कंसीलर सेट करूँगी, फिर अपना फाउंडेशन, पूरे फाउंडेशन को सेट कर लूँगी, जिससे मेरा फाउंडेशन पूरे दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से कंटूरिंग करूँगी, हल्का सा कलर लेके अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने चीक्स पे और फोरहेड पे। हम कंटूरिंग जब करते हैं, जब हमें अपना फेस पतला दिखाना हो, अपने फीचर्स को शार्प दिखाना हो। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और ऐसे ही मैं अपनी नोज़ पर कंटूरिंग करूँगी। लाइट पिंक लिपस्टिक मैं ब्लशर के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब स्पंज की हेल्प से डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने चिक्स बॉन्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे। मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। सो अब मैं अपनी आईब्रोज़ के पास भी इसको लगाऊंगी। अब मैं मी नाउ की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं अपनी दोनों आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। एंड इसमें दूसरे साइड एक छोटा सा कॉम दिया हुआ है, उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर लूँगी। अब हम आई मेकअप करेंगे, तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर लेकर अपनी क्रीज पर लगाऊंगी और फिर पूरी आईज़ पर अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आपको ब्लेंडिंग अच्छी रखनी है, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होती है, उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप लगता है। सो ब्लेंडिंग में टाइम देना है। फिर मैं गोल्डन ग्लिटर को अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड्स पर लगाऊंगी। मुझे अपना आई मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब ग्रीन कलर से ही मैं अपनी आईज़ के नीचे लगा लूँगी आईलाइनर ब्रश की हेल्प से। फिर उसके बाद ब्राउन कलर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं स्विस ब्यूटी का स्केच पेन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, इससे इजीली विंग ड्रो हो जाती है। गाइस, ये काफ़ी अच्छा लाइनर है। फिर मैं 7 Heaven का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही मैं अपनी आईज़ के नीचे भी लगा लूँगी। देन मैं आई पॉलिशेस यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं हाइलाइटर को अपने आई कॉर्नर पर लगा लूँगी। अब मैं स्विस ब्यूटी की फायर रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अब मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ और स्पंज की हेल्प से डैप डैप करके सेट कर लूँगी।